पंजाब से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यह एक भाई अपनी शादीशुदा बहन के घर आने जाने से परेशान था, तो उसने अपनी 3.5 साल की भांजी को मौत के घाट उतार डाला। कलयुग के इस कंस मामा ने अपनी छोटी सी भांजी को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा कि सोचकर ही शरीर में सिहरन होने लगती है। मामला पंजाब के पटियाला शहर का है। यहाँ पर पंकज कुमार कंसल अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पंकज के माँ बाप के अलावा उसके दादा दादी भी रहा करते थे। पंकज पंजाब के विद्युत विभाग में सब डिविजनल ऑफिसर था, लेकिन 5 साल पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद से ही पंकज तनाव में जी रहा था। हर गुजरते साल के साथ ही उसकी दिमागी परेशानी बढ़ती जा रही थी। इन दिनों तनाव की वजह से उसका बर्ताव ही बदल गया था। वह अजीबोगरीब हरकत करता था। हालांकि किसी को इस बात की अंदाजा नहीं था कि पंकज की दिमागी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि वह इस तरह के जघन्य हत्याकांड को भी अंजाम दे सकता है। पंकज की बहन निशी माँ बाप से मिलने के लिए अक्सर अपने घर आया जाया करती थी। 27 नवंबर को भी निशी अपने 3.5 साल की बेटी के साथ अपने मायके आई हुई थी। बच्ची अपने नाना नानी के कमरे में खेल रही थी। बच्ची की नानी यानी निशी की माँ किचन में काम कर रही थी, जबकि निशी अपने पिता कृष्ण कुमार के साथ किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी। बेटी नानी के साथ महफूज है, यह सोचकर निशी घर पर ही छोड़कर चली गई थी। करीब 11:30 बजे पंकज 3.5 साल की छोटी बच्ची को खेलने के बहाने से घर के एक कमरे में लेकर गया। उसने कमरा बंद कर दिया और उसके बाद बच्ची का मुंह बंद करने के बाद बर्फ तोड़ने वाले सुएं से बच्ची पर 25 से 30 बार पार की। पंकज ने बच्ची का मुंह बंद कर रखा था, जिसकी वजह से मासूम चिल्ला तक नहीं सकी। सोचकर ही सिहरन होती है कि फूल जैसी बच्ची के जिस्म पर जब इतने गहरे वार किए जा रहे होंगे, तब अपने मामा की पकड़ से छुटने के लिए वह किस तरह से तड़पी होगी। बच्ची को मारने के बाद पंकज चुपचाप घर से निकल गया। उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया। जब निशी घर वापस आई, उसने बच्ची को घर में ढूंढना शुरू किया। उसने देखा कि घर का एक कमरा बंद है और पड़ोसियों की मदद से कमरे का ताला तोड़ा गया। अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। 3.5 साल की बच्ची का बेजान जिस्म खून से सना हुआ पड़ा था। घर वाले बच्ची को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी है। घर से पंकज गायब था। बच्ची के कत्ल की खबर पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने थोड़ी ही देर में पंकज को ढूंढ निकाला और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पूछताछ में पुलिस को पंकज ने बताया कि वह अपनी बहन निशी के ज्यादा घर आने जाने से गुस्से में था। निशी को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी छोटी सी बच्ची को निशाना बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि उस मासूम का इस मनमुटाव से क्या लेना देना था।